Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. God is good. All the time. Amen. Amen. परमेश्वर हर समय भला है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. If really he is good, we should worship him. यदि सच में वो अच्छा है, भला है, तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए. With heart and with gladness. अपने हृदय से और खुशी से उसकी आराधना करनी चाहिए. Praise God. Praise God. I welcome you all in the name of Jesus Christ. मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता हूँ. Once again, His grace that we are been gathered. फिर से एक बार ये उसका अनुग्रह है कि हम यहाँ आए हैं. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Let's close our eyes before going to word. वचन में जाने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें. Prepare our heart to listen the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें. Father, in Jesus name we are gathered. पिता यीशु के नाम में हम इकट्ठा हुए हैं. Once again it is your grace that you have gathered us. फिर से एक बार ये आपका अनुग्रह हुआ है और आपने हमें इकट्ठा किया है. As we are going to listen your word. जैसे हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं. Holy Spirit take our control. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आप अधिकार लो. Lead us in truth. हमें सच्चाई में ले जाओ. We believe you are the holy. हम ये विश्वास करते हैं कि आप पवित्र हो. And we call this holy one. और हम वो पवित्र को बुलाते हैं. Holy, you lead us. वो पवित्र आप हमारी अगुवाई करो. Oh truth, you lead us. वो सत्य आप हमारी अगुवाई करो. Speak to us. हमारे साथ बात करो. Give us power. हमें सामर्थ दो. Encourage us. और हमें उत्साह दो. If there is weakness, you give fill with your power. यदि कोई कमजोरी है तो आप आपके सामर्थ्य से हमें भरो. If there is sin, यदि कोई पाप है, clear it. तो वो स्पष्ट करो. So that we can confess. इसीलिए कि हम उसे कबूल कर सके. We seek your face. हम आपका आपका मुख ढूंढते हैं. Talk to us. हमारे साथ बात करो. Renew us. और हमें ताजा करो. Yes. Make us clean. हाँ, हमें शुद्ध करो. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sorry for too much time. It's too much. लेट हो गए, उसके लिए माफी चाहता हूँ. But we are going to listen the word of God. लेकिन हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं. Hallelujah. I was just thinking about miracles. मैं चमत्कारों के बारे में सोच रहा था. Yes, miracles are not the sign of God. और चमत्कार परमेश्वर के कोई प्रतीक या चिन्ह नहीं है. We cannot prove miracle is God. हम ऐसा miracle take place, there is God. हम ऐसा साबित नहीं कर सकते कि जहां चमत्कार होते हैं वहां परमेश्वर होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते. Yes, God do miracle that are greater than imagination. हाँ, परमेश्वर भी चमत्कार करते हैं जो हमारी सोच से भी बाहर के चमत्कार होते हैं. I ask one question. मैं आपको एक सवाल पूछता हूं. इफ समवन हील 10 ब्लाइंड, यदि कोई व्यक्ति 10 अंधे लोगों को चंगाई देता है, एंड 1% हील और रेज 1 डेड, और कोई एक व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करता है, देन व्हाट इज द ग्रेट मिरेकल? तो फिर वो दोनों में महान चमत्कार कौन सा है? विच इज द ग्रेट? कौन सा चमत्कार बड़ा है? यस, अमित पंड्या. हाँ, अमित भाई पंड्या, व्हाट यू से? मुर्दे को जिंदा किया. ओके, रेजिंग वन डेड, एक मुर्दे को उठाना. वो इफ समवन हील 100 ब्लाइंड, यदि कोई व्यक्ति 100 अंधे लोगों को देखते उसकी आंखें खोल देता है, एंड 1% जस्ट रेज वन डेड, और एक व्यक्ति केवल एक ही मुर्दे व्यक्ति को जिंदा करता है, व्हाट इज द ग्रेट मिरेकल? व्हिच इज द ग्रेट मिरेकल? वो दोनों में बड़ा चमत्कार, महान चमत्कार कौन सा है? ओके, अगेन अगेन सेम, फिर से वही जवाब. यस, वी कैन ओपन आईज ऑफ ब्लाइंड इफ वी हैव मनी. हाँ, यदि हमारे पास पैसा होता है तो हम अंधे लोगों की आंखें खोल सकते हैं. यस, पीपल डोंट नीड आईज. हाँ, लोग आंखों का दान करते हैं. But they cannot donate life. लेकिन वो जीवन दान नहीं कर सकते. Doctor can operate. डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है. Can heal any sickness. वो कोई भी बीमारी को चंगा कर सकता है. But cannot raise that. लेकिन वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता. God do such miracle that are extraordinary. परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है जो सोच से बाहर होते हैं. We didn't do any miracle. We didn't do any miracle. हमने कोई चमत्कार नहीं किया है. So we are surprised when someone do
मिरेकल। इसीलिए जब कोई चमत्कार करता है तो हमें आश्चर्य होता है। But Jesus did such miracle that no one did। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए जो किसी ने नहीं किए। So we are following him। इसीलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं। They were disciples of Jesus Christ। यीशु के चेले थे। And they are following Jesus। और वो यीशु के पीछे चल रहे थे। In Luke and Luke 10 and 20 we read। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 20वें वचन में हम पढ़ते हैं। These disciples went out and healed the people। ये शिष्य बाहर गए और लोगों को चंगाई दी। Even they delivered the people who were in bondage। और जो लोग बंधनों में थे उनके बंधन भी शिष्यों ने तोड़े। And they rejoiced coming. They came rejoicing. और वो यीशु के पास आनंद करते हुए वापस आए। Lord, we have casted out demons. और कहा कि प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। All the demons we talked and they were subject to us. हमने दुष्ट आत्माओं से आज्ञा की और वो हमारे अधीनता में आ गए। They obeyed us. उन्होंने हमारी बात मानी। We talk a word, we say a word. And they heard and they obeyed. हमने शब्द कहा और दुष्ट आत्माओं ने वो सुना और वो उन्होंने हमारी आज्ञा मान ली। They rejoiced and said. चेलों ने आनंदित होकर कहा। Then Jesus said. तब यीशु ने जवाब दिया। Don't rejoice. Don't be impressed. उससे आप प्रभावित मत हो जाओ और आनंद मत करो। Don't show you won a battle. और तुमने युद्ध जीता है इसके लिए आनंद मत करो। डोंट थिंक यू आर स्पेशल। और ऐसा मत सोचो कि तुम मुख्य हो, महत्वपूर्ण हो। इवन आई कैन कास्ट आउट डिमंस। मैं भी दुष्ट आत्माएं निकाल सकता हूँ। बट आई डोंट रिजॉइस फॉर दैट। लेकिन उसके लिए मैं आनंद नहीं करता। यू रिजॉइस फॉर सम डिमंस हैज यू ओवरकम। आप कोई दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपने विजय पाया इसके लिए आप आनंद करते हो। डोंट थिंक दैट यू आर कन्फर्म एंड यू आर चूजन। ऐसा उसके वजह से ऐसा मत सोचो कि आप मुख्य हो और आप पसंदगी में हो। डोंट रिएक्ट दैट इज सिंपल फॉर मी। और ऐसी प्रतिक्रिया मत दो कि ये काम करना तो मेरे लिए बहुत साधारण है। डोंट मिसअंडरस्टैंड। और उसको गलत फहमी में मत लो। दैट इट इज योर पावर। कि ये तुम्हारा खुद का सामर्थ्य है। दैट इज नॉट साइन ऑफ योर पावर। वो आपके सामर्थ्य का चिन्ह नहीं है। दैट इज नॉट योर वर्क। वो आपका काम नहीं है। दैट इज नॉट योर फॉर योर नेम डिमन ओबे। और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं ने आपकी बात नहीं मानी है। That doesn't show that you are holy person। और इससे ये नहीं दिखता कि आप पवित्र पवित्र व्यक्ति हो। That doesn't prove that you belong to God। और उससे ये साबित नहीं होता कि आप परमेश्वर के हो। That doesn't confirm your name is written in book of with me। और मेरे साथ आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है वो साबित नहीं होता है। Don't think that you are past test greatest। ऐसा मत सोचो कि तुमने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है। You cast out demon। तुमने दुष्टात्माएं निकाले। That was not a final task to be chosen। वो पसंदगी में आने के लिए अंतिम परीक्षा नहीं थी। Don't think that you have achieved goal। और ऐसा मत सोचो कि तुमने तुम्हारी योजना पार कर ली है। Jesus said, "Do not be glad." यीशु ने कहा कि खुश आनंदित मत हो। In another word, he's saying, "Stop rejoicing." दूसरे शब्द में यीशु ने कहा कि आनंद करना बंद कर दो। Stop rejoicing. आनंद करना बंद करो। Stop smiling. और हंसना बंद करो। For you have won a battle. You think so? तुमने सोचा कि तुमने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। Subject, spirits are subject to you. और दुष्ट आत्माएं तुम्हारी अधीनता में आए। They are submitted. They are coming to you. वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पास आए। And they are in control. और वो लोग वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे नियंत्रण में आए। So stop rejoicing. उसकी वजह से आनंद करना बंद कर दो। So Jesus said. तो यीशु ने कहा। Something is happening in spiritual world. आत्मिक जगत में कुछ तो हो रहा है। That doesn't prove that you are selected. उससे ये साबित नहीं होता है कि तुम्हें पसंद किया गया है। But rejoice, Lord, because I say. लेकिन मैं जो कहता हूँ उसकी वजह से आनंद करो। Your name are written in the book with me in my book. मेरे किताब में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं उसके लिए आनंद करो। You belong to me. This is proved. ये तुम मेरे हो ये साबित हो गया है। Not because you have raised any. You did any miracle? तुमने कोई चमत्कार किया है उसकी वजह से नहीं। There was a person who was casting out demon. एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। And disciples saw him driving away spirit.
और चेलों ने वो व्यक्ति को देखा कि वो दुष्ट आत्माएं निकालता है। John came to Jesus Christ. ये यूहान यीशु मसीह के पास आया। And said, Master. और कहा, स्वामी। Look, that some fellow is driving out evil spirit in your name. कि कोई दूसरा व्यक्ति तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। And we said. और हमने कहा, Stop. कि रुक जा। Because you are not with us. क्योंकि तू हमारे साथ नहीं है। He was there using your name. वो तुम्हारा नाम का इस्तेमाल कर रहा था। He was using your authority. और वो तुम्हारे अधिकार का उपयोग कर रहा था। He was not in our group. वो हमारे समुदाय में नहीं है। So we told him. इसीलिए हमने उसे कहा, You must not do it. कि तुझे वो काम नहीं करना चाहिए। We tried to stop him. हमने उसे रोकने का प्रयास किया। But he was not following us. क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चल रहा है। Lord Jesus said. यीशु मसीह ने तब जवाब दिया। To this disciples. यीशु मसीह ने उसके चेलों को जवाब दिया। Don't tell him that. कि तुम उसे मना मत करो। There is no man who will do a great work in my name. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे नाम में बहुत बड़े चमत्कार करे। Enable to at the same time he is able to say evil of me. और मेरे नाम में काम करते हुए मेरा बुरा भी करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। There is no one who use my name and say against me. कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे नाम का उपयोग भी करे और मेरे विरोध में भी बोले, ऐसा कोई नहीं हो सकता। Jesus said, "Stop him not." यीशु ने कहा कि उसे मत रोको। Because no one who work a miracle is in my name can slander me soon afterward. क्योंकि जो मेरे नाम में चमत्कार करता है वो मेरी निंदा भी नहीं करेगा। He cannot tightly go against me. वो उसके बाद मेरे विरोध में नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। Cannot deny me. वो मेरा नकार नहीं करेगा। Cannot oppose me. वो मेरा विरोध नहीं कर सकता। Cannot curse me. और वो मुझे श्राप नहीं दे सकता। Cannot speak evil about me. मेरे बारे में दुष्ट बातें वो नहीं बोल सकता। Lord said. प्रभु ने कहा, Who is not against us is with us. जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। If someone is not against us, he is helping us. यदि कोई हमारे विरोध में नहीं है तो वो हमारी सहायता कर रहा है। Whoever is not against us, जो कोई भी हमारे विरोध में नहीं होते, are joined with us. वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And in further words, Jesus said. और आगे के वचन में यीशु ने कहा, Just visit them. उनकी मुलाकात लो। And if they give you cup of cold water, और यदि वो तुम्हें ठंडे पानी का प्याला दे, because you are of Christ, क्योंकि तुम मसीह के हो इसीलिए, truly I say to you, तो सच में मैं तुमसे कहता हूँ, they will be rewarded, उनको बदला मिलेगा। So there was a person who was casting out demons in Jesus' name. तो वो व्यक्ति था जो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकालता था। So Jesus said to John. तो यीशु ने यूहान से कहा, Go and visit him. कि तू जाकर उसकी मुलाकात ले। And if he deny you, और यदि वो तेरा नकार करे, then he is not with us. तो फिर वो हमारे साथ नहीं है। But if he welcome you, लेकिन यदि वो तेरा स्वागत करे, as my disciple, तू मेरा चेला है ऐसा मानकर वो तेरा स्वागत करे, if he welcome you, यदि वो तेरा स्वागत करे, he will be rewarded. तो उसे उसका बदला मिलेगा। Listen Matthew 12 and 30 verse. सुनो मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय और 30वां वचन। Whoever is not with me is against me, Jesus said. यीशु ने कहा, जो कोई भी मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। And who is not gathering with me, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता, who is not getting people together, जो लोग लोगों को इकट्ठा नहीं करता है, who is not taking part to gather people, लोगों को लाने में जो व्यक्ति भाग नहीं लेता है, he and driving away them out, और लोगों को भगा देता है, then he is not with me, तो वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, who is gathering with me. जो व्यक्ति मेरे साथ लोगों को लेकर आता है, जमा करता है, not scattering, और उनको अलग नहीं कर देता, not making division, और वो विभाग नहीं पारता है, then he is from us, he is with us. तो फिर वो व्यक्ति हमारा है और हमारे साथ है। Listen, Judah 1:18. सुनो यहूदा की किताब 1:18 वचन। This saint says, ये संत ने कहा, In the last days time will come. अंतिम दिनों में समय ऐसा आएगा। When people will make sort of the thing that they are, they
They will divide people. वो लोग लोगों में विभाग कर देंगे. They will make division. विभाग बनाएंगे. Because they are having no spirit within. क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है. They will try to separate people. वो लोग लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे. Jesus prayer was let people be one. यीशु की प्रार्थना ये थी कि लोग एक हो जाए. So Jesus said the spirit, another spirit will work. इसलिए यीशु ने कहा कि दूसरा आत्मा भी काम करेगा. And they will divide. और वो आत्माएं लोगों को अलग कर देंगे. Mark 12 and 30. मरकुस उसका 12वां अध्याय 30वां वचन. If someone is not working with me. यदि कोई मेरे साथ काम नहीं कर रहा then है. He is against me. तो फिर वो मेरे विरोध में है. Who is not helping me. जो मेरी सहायता नहीं करता. And not helping in bringing sheep together. और भेड़ों को एक साथ मिलाकर जो लाता नहीं है. He is against me. वो मेरे विरोध में है. Who is not leading anyone to Christ? जो कोई व्यक्ति को मसीह के पास नहीं लेके आता. He doesn't belong to me. वो मेरा नहीं है. One brother asked me a question. एक भाई ने मुझे सवाल कहा. Last day I visited a person. कुछ दिनों पहले मैंने एक व्यक्ति की मुलाकात ली. His name was John. उसका नाम जॉन था. Not this John. ये जॉन नहीं. There are many John in Bible and outside of Bible. बाइबल में और बाइबल के बाहर बहुत सारे योहान हैं. And the person said, वो व्यक्ति ने कहा, There was a retreat. कि वो एक महासभा थी. And people and one lady she was not able to walk 2-3 step also. और वहाँ पर एक औरत आई थी कि जो 3-4 कदम भी नहीं चल सकती थी. But she was healed. लेकिन उसे चंगाई मिली. Now she can walk and she can even jump. और अब वो चल सकती है और कूद भी सकती है. Even she can walk stairs up and down. सीढ़ी भी चढ़ सकती है. She was healed. उसे चंगाई मिली थी. In that retreat, people were healed. वो जो महासभा थी उसमें लोगों को चंगाई मिलती थी. Even people were free from demons. वहां पर लोगों को दुष्टात्माओं से भी छुटकारा मिलता था. So that brother said that what is wrong in our church? तो वो व्यक्ति ने पूछा कि तो फिर हमारे कलीसिया में क्या गलती है? कुछ गलत नहीं है. God is working here. परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है, उसने ऐसा कहा. But the person was not believing only Jesus. लेकिन वो व्यक्ति केवल यीशु में ही विश्वास नहीं करता था. He was and the church was believing in Jesus and mother also. वो कलीसिया में था कि जहां पर यीशु में भी विश्वास करता था और मरियम माता में भी विश्वास करता था. Then who was working in that group? तो फिर वो समुदाय के लोगों में कौन काम कर रहा था? Who was working in that retreat? वो उनकी जो सभा रखी थी उसमें कौन काम कर रहा था? They were speaking in tongues. They were speaking in tongues. वो लोग भी अन्य भाषा बोलते थे. They were praising and shouting praise God. वो लोग भी चिल्लाकर स्तुति कर रहे थे और कहते थे परमेश्वर की महिमा. They were saying hallelujah. वो भी यहोवा की स्तुति हो ऐसा कहते थे. Then who did the miracle there? तो फिर वहाँ पर चमत्कार किसने किया? We also ask such questions in our heart. हम भी हमारे हृदय में ऐसे सवाल पूछते हैं. What to reply? तो उसका जवाब क्या देना चाहिए? What to say? क्या कहना चाहिए? There are miracles going on in Jesus' name. यीशु के नाम में बहुत चमत्कार होते हैं. But they are not with Jesus Christ. लेकिन वो लोग यीशु के साथ नहीं हैं. They are not following as Bible says. जैसा बाइबल कहता है उस तरह से वो नहीं चलते हैं. But we can judge if we have read Bible. लेकिन यदि हमने बाइबल पढ़ा है तो हम न्याय कर सकते हैं. I said to brother. मैंने वो भाई से कहा. You know Bible? तुम बाइबल जानते हो? In Bible there God did miracles. बाइबल में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं. God used his servant. परमेश्वर ने उसके सेवकों का उपयोग किया. Because they were walking with Christ. क्योंकि वो मसीह के साथ चल रहे थे. They healed the people. उन्होंने लोगों की चंगाई दी, लोगों को चंगा किया. But if someone doesn't walk as Bible says, लेकिन यदि जैसे बाइबल कहता है ऐसे कोई नहीं चलता, then the spirit is the leading spirit is different. तो फिर उनकी अगुवाई करने वाला जो आत्मा है वो अलग है. Because the spirit says, don't do idolatry. आत्मा कहता है कि मूर्ति पूजा मत कर. Don't worship idol. मूर्तियों की आराधना मत कर. The spirit said to Moses. वो आत्मा ने मूसा से कहा. Don't do idolatry. कि तू मूर्ति पूजा मत कर. Don't do idol worship. Don't worship idol. मूर्तियों की आराधना मत करना, उनकी पूजा मत करना. If a person
go against Bible, यदि कोई व्यक्ति बाइबल के विरोध में जाता है, even going against Bible, if miracle happens, और बाइबल के विरोध में जाने से भी यदि चमत्कार होता है, then there is no connection with the spirit. तो फिर वो उनका संबंध वो बाइबल के आत्मा के साथ नहीं है. No spirit with the spirit which talk don't do idol worship. जो आत्मा ने कहा कि मूर्ति पूजा मत कर, वो आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है. Amen. Amen. We can check people. हम लोगों को परख सकते हैं. If they are not following us Bible. यदि वो बाइबल के बाइबल का अनुसरण नहीं करते, नहीं मानते, they don't believe what the spirit says, आत्मा जो कहता है वो यदि वो नहीं मानते, then the spirit, but Bible spirit or the author of the Bible, तो फिर बाइबल का जो अधिकारी है, बाइबल का जो आत्मा है, वो is not working with them, वो आत्मा उनके साथ काम नहीं कर रहा है, but disobedient spirit is working in them, और आज्ञा पालन ना करने वाला जो आत्मा है वो उनके साथ काम कर रहा है. बिफोर हीलिंग, चंगाई के पहले, लॉर्ड टॉक अबाउट द सिन, परमेश्वर को पाप के बारे में बात करनी चाहिए. बिफोर हीलिंग पीपल, लोगों को चंगाई देने से पहले, एंड इफ गॉड हील देम, और यदि परमेश्वर उनको चंगाई देता है, स्टिल दे डोंट कम टू द ट्रूथ, और फिर भी यदि वो बाइबल के सच्चाई के साथ नहीं आते, then the spirit is not working, तो फिर आत्मा काम नहीं कर रहा है. Afterward or before the spirit will talk, उससे पहले और उसके बाद आत्मा बात करेगा. The truth will lead him, सच्चाई उनकी अगवाही करेगा. If God heal anyone, यदि परमेश्वर किसी को चंगा करता है, his purpose is to know him. The person should know him. तो परमेश्वर का परमेश्वर की योजना इच्छा वो होती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर को जाने. Who healed you? Find out. तुम्हें किसने चंगाई दी? तुम उसे ढूंढ लो. He is the truth. वो सच्चाई है. And what he is, he please. और वो you should find out. और वो किससे खुश होता है? वो तुम्हें ढूंढ निकालना चाहिए. The brother gave a witness. The brother gave the witness. वो भाई ने गवाही दी. The lady he was healed. कि वो औरत को चंगाई मिली. But he don't know what Bible says. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बाइबल क्या कहता है. We believe all the word of Bible. हम बाइबल के सारे वचनों को मानते हैं, विश्वास करते हैं. We take it as the spirit of God has spoken. हम ये वचनों को उस तरह से लेते हैं जैसे परमेश्वर के आत्मा ने ये बोले हैं, हमें दिए हैं. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. But spirit is not God. लेकिन आत्मा परमेश्वर नहीं है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. Love is not God. लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है. Amen. Amen. God is holy. परमेश्वर पवित्र है. Yes, one is holy. Just one is holy, but केवल एक ही पवित्र है. Praise God. Praise God. Holy is God. पवित्र परमेश्वर है. Amen. परमेश्वर पवित्र है. His name is holy. उसका नाम पवित्र है. If a person go against the Bible, यदि कोई व्यक्ति बाइबल के विरोध में जाता है, and don't follow what the command says, तो और बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई है वो नहीं मानता, then the spirit is not working, तो फिर आत्मा काम नहीं कर रहा है. If the spirit is working, यदि आत्मा काम कर रहा है, Holy spirit is working, पवित्र आत्मा यदि काम कर रहा है, then he will convince the people, तो पवित्र आत्मा लोगों को खातरी देगा. He will lead in truth, वो लोगों को सच्चाई में ले आएगा. He will lead the people to Bible, और पवित्र आत्मा लोगों को बाइबल की ओर ले आएगा. Because the book is his. क्योंकि ये बाइबल पवित्र आत्मा की किताब है. And he will not take you away from the book. और वो आपको ये किताब से दूर नहीं ले जाएगा. Praise God. परमेश्वर की महिमा. So Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा. Man live by the word of God. पर इंसान मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीता है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So to find out the miracle. तो चमत्कार के लिए ढूंढ निकालना, we should read Bible. उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए. We should know the voice of what voice of God say. और बाइबल का परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर का आवाज कौन सा है वो हमें जानना चाहिए. What he says. और वो क्या कहता है. Because in the last time people will come. क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे. They will say, Lord, Lord, we did miracles in
योर नेम वो कहेंगे कि प्रभु प्रभु हमने तुम्हारे नाम में चमत्कार किए बट लॉर्ड विल से लेकिन प्रभु जवाब देगा आई डोंट नो यू कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ आई वॉज नॉट इन योर मीटिंग मैं तुम्हारे समुदाय में कलीसिया में नहीं था इवन नॉट द ट्रुथ स्पिरिट ऑफ ट्रुथ वॉज इन्वॉल्व इन योर मिनिस्ट्री और तुम्हारी सेवकाई में सच्चाई का आत्मा भी नहीं था यू लैक द स्पिरिट तुम्हें तुम्हारे अंदर आत्मा की कमी है यू आर अवे फ्रॉम स्पिरिट तुम आत्मा से बहुत दूर थे इफ स्पिरिट वुड लीड यू यदि वो सच्चाई का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता then he would tell your sin. तो वो तुम्हें तुम्हारे पाप कह देता दिखाता he will tell when to rejoice and when not to rejoice. और वो तुम्हें सिखाता कि कब आनंद करना चाहिए और कब आनंद नहीं करना चाहिए But today people are rejoicing when miracle take place. लेकिन आज जब चमत्कार होता है तब लोग आनंद करते हैं And there are people who are finding fact. Miracle or true miracle. और ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये ढूंढ निकालने में लगते हैं कि सच्चे चमत्कार कौन से हैं और झूठे चमत्कार कौन से हैं। They keep close camera to see. और उसे जांचने के लिए वो बहुत ही नजदीक का कैमरा लगा। We don't use eyes. हम आंखें का इस्तेमाल नहीं करते। If someone says someone has raised dead. यदि किसी ने मुर्दे को उठाया है If we heard, और यदि हम वो सुने we believe, तो हम मानते हैं My God does. मेरा परमेश्वर करता है We don't Doubt our God. हम हमारे परमेश्वर में संदेह नहीं करते If Satan do, यदि शैतान करता है we believe, तो हम विश्वास करते हैं He also can do. वो भी कर सकता है We don't doubt. हम उसमें भी संदेह नहीं करते But the miracle is from God or not, लेकिन चमत्कार परमेश्वर की ओर से है या नहीं We should ask Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए We should not check looking the sin. जो दृश्य प्रकट हम देखते हैं वो देखकर हमें परख नहीं करनी चाहिए We don't ask the blind, really? You are healed? हमें वो अंधे को जाकर हम नहीं पूछते कि क्या सच में तू देखता हो गया How it happened? और वो कैसे हुआ But we check the person who did it. लेकिन जो व्यक्ति ने वो किया उसकी परख हम करते हैं Really? Spirit of God is in him or not? सच में परमेश्वर का आत्मा वो व्यक्ति में है या नहीं Is he working according to Bible or not? और वो सेवक बाइबल के अनुसार चल रहा है या नहीं Do he oppose Bible? क्या वो बाइबल का विरोध करता है Or he love Bible? या फिर वो बाइबल से प्रेम करता है If he take Bible, यदि वो बाइबल लेता है If he follow Bible, यदि वो बाइबल की बातें मानता है there is God. With him. तो फिर परमेश्वर का परमेश्वर उसके साथ है Amen. Amen. So Bible says, इसलिए be not deceived. इसलिए बाइबल कहता है कि धोखा मत खाओ But test and check every spirit. लेकिन हर एक आत्मा को परखो जांचो Test the spirit. आत्मा को परखो Test the spirit. आत्मा की परीक्षा लो जांचो Don't test the miracle. चमत्कार को मत परखो How it happened? वो कैसे हुआ? When it happened? कब हुआ? When it happened? कहाँ हुआ? Who were there? और वहाँ कौन-कौन थे? Who are the witnesses? उसके गवाह कौन हैं? We don't follow with our sight. हम हमारी दृष्टि के पीछे नहीं चलते. We just kneel down before God. हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर आते हैं. Ask God. परमेश्वर से पूछते हैं. If He say. और यदि वो कहता है. Then we say it right. तो फिर हम कहते हैं सही है. Now we don't want to listen anyone. और अब हम किसी को सुनना नहीं चाहते. If 100 people say fact. और यदि 100 लोग ऐसा कहे कि झूठ है And one say, और वो एक कहता है This is the fact, कि ये झूठ नहीं है Then we believe God. तो फिर हम परमेश्वर में मानते हैं We just believe God. हम केवल परमेश्वर में मानते हैं So we don't search miracle. तो हम चमत्कार को नहीं ढूंढते John the Baptist did any miracle. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी written. वो लिखा गया है But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा He was from God ki wo parmeshwar ki or se was God parmeshwar ki mahima ho we don't seek miracle hum chamatkar ke piche nahi lagte we seek the truth hum sachchai ko dhoondte hain our god can do miracle hamara parmeshwar chamatkar kar sakta hai why he is not doing wo kyun nahi karta because we are not listening kyunki hum sunte nahi we are not following hum uske piche nahi chal rahe we are not finding him aur hum use dhoond nahi rahe hain we have to find him hame use dhoondna chahiye we don't find miracle हमें चमत्कार नहीं ढूंढना चाहिए फाइंड गॉड हमें परमेश्वर को ढूंढना है आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको आशीष दे लेट्स क्लोज आवर आईज आइए हमारी आंखें बंद करें एंड थैंक गॉड और परमेश्वर का धन्यवाद करें फॉर द वर्ड वचन के लिए फादर इन जीसस नेम वंस अगेन वी बो आवरसेल्फ डाउन
पिता फिर से एक बार हम यीशु के नाम में आपके सामने झुकते हैं। जीसस क्राइस्ट वी थैंक यू फॉर ऑल योर वर्ड। यीशु मसीह आपके सारे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद। फॉर ऑल योर टीचिंग। आपके सारे शिक्षण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट थैंक यू फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड। पवित्र आत्मा हमें समझाने के लिए आपका धन्यवाद। हेल्प अस, हमारी सहायता करो टू मेक ऑल दिस थिंग अंडरस्टैंड। ये सारी बातें समझाने के लिए समझने के लिए हमारी सहायता करो। होली स्पिरिट वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। मेक अस मोर क्लियर, हमें और स्पष्ट करो। सो दैट वी कैन सी द ट्रुथ, इसीलिए कि हम सच्चाई को देख सके। होली स्पिरिट वी प्रे, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं। वी अंडरस्टैंड योर वॉइस, हम आपके आवाज को समझते हैं। We do exactly what you say, और जैसे आप कहो वैसे ही हम करें। And we don't use our eyes, और हम हमारी आँखों का सहारा ना। We don't use our ears, और हमारे कानों का सहारा हम ना। We will not listen the world, और ये दुनिया की बातें हम नहीं सुनेंगे। We will listen the spirit which you sent, जो आत्मा आपने भेजा वही आत्मा को हम सुनेंगे। We will listen God, हम परमेश्वर को सुनेंगे। We will listen you, Lord. हम आपको सुनेंगे प्रभु। We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते हैं। We want to test you. हम आपको चखना चाहते हैं। We want to check that are you there or not. और आप हमारे साथ हो या नहीं वो हम परख करना चाहते हैं। Thank you once again, Lord. फिर से एक बार प्रभु धन्यवाद। Let each one understand the message. हर एक व्यक्ति संदेश को समझ ले। Let the word be so in each one. हर एक के अंदर ये वचन बोया जाए। And let each one receive in Jesus name. और हर एक व्यक्ति उसे यीशु के नाम में पाले। Amen. Amen. Now let's pray together what Lord taught. आइए अब प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना मिलकर करें। Close our eyes. हमारी आंखें बंद करें। Our Father with that in heaven, let's say. ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Pure is thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread, Lord. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो प्रभु। Forgive our debts. हमारे अपराधों को क्षमा कर। As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया। And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ला। But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है। Thy is power. पराक्रम आपका है। And thy is glory. और महिमा आपकी है। Forever, Father, you are our God. पिता सदा के लिए आप हमारे परमेश्वर। You are our king. आप हमारे राजा हो। Rule over us. हमारे ऊपर अधिकार चलाओ। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। And love of our God Father. और हमारे परमेश्वर पिता का प्यार। And fellowship of Holy Spirit be with us. और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। Be with all who are watching, listening. और जो लोग देख रहे सुन रहे वो सबके साथ बनी रहे। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise God. Praise God.